नमस्कार, कलश रसोई में दर्शकों आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज कलश रसोई में आप बनाना सीखेंगे साग पनीर की सब्जी। साग पनीर को सरसों और पालक की करी में बनाया जाता है। साग पनीर भी पालक पनीर की तरह स्वाद और सेहत से भरपूर होता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। वैसे तो सरसों जाड़े के मौसम में ज्यादा आती है, लेकिन अब तो हरी सब्जियां गर्मी में भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ताजी सरसों ना मिले तो आप फ्रोजेन सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं साग पनीर की ये सब्जी, लेकिन उससे पहले जानते हैं इसकी आवश्यक सामग्री। सरसों 300 ग्राम, पालक 250 ग्राम, पनीर 200 ग्राम, हरी मिर्च 2, प्याज 1 छोटी, टमाटर 1 छोटा, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार, जीरा आधा छोटा चम्मच, खड़ी लाल मिर्च 1 से 2, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, घी 3 बड़ा चम्मच, नींबू का रस स्वाद अनुसार। दर्शकों, अगर आपने साग पनीर बनाने की सारी सामग्री एक साथ रख ली है तो आइए अब जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। सबसे पहले सरसों और पालक के मोटे डंठल हटाकर उसे अच्छे से धो लें। कच्चे और मुलायम डंठल को ना हटाएं, क्योंकि ये आसानी से गल जाते हैं। पालक और सरसों को अलग अलग रखें, क्योंकि सरसों के पत्तों को गलने में ज्यादा समय लगता है, जबकि पालक जल्दी गल जाती है। अब एक बर्तन में लगभग 1 कप पानी गर्म करें। उसमें 1/4 चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच शक्कर डालें। अब इसमें सरसों को गलने तक उबालें। फिर सरसों को निकालकर छलनी पर रखें। बचे पानी में पालक को उबाल लें। सरसों और पालक को पानी से निकालकर छलनी पर रखें और ठंडा होने दें। हरी मिर्च के डंठल हटाकर उसे धो लें। इसके बाद सरसों, पालक और हरी मिर्च को ग्राइंडर में मोटा पीस लें। साग को पीसते समय